हेलो फ्रेंड्स। सो ये हमारा आज फिजिक्स का सिक्स्थ एपिसोड है, जो कि एयर फोर्स, SSR, AA या किसी भी जो कि साइंस रिलेटेड एग्जाम है उसके लिए टॉपिक कवर करेगा। सो हमारे जो आज के टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंटर ऑफ मास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। सो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैथ और फिजिक्स की उसका पता चल सके। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट ऑफ ऑल होता है क्या, इसको आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू MR², जिसकी यूनिट है वो होती है किलोग्राम मीटर स्क्वेयर, और जो डायमेंशनल फार्मूला है वो होता है M1, L2 और T0। ये डिपेंड्स अपॉन करता है मास ऑफ बॉडी, साइज ऑफ बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, शेप ऑफ बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। सो हमारे पास कुछ शेप हैं, कुछ बॉडी है, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम रोड रोड का डिस्कस करते हैं, ये होती है रोड जिसकी लेंथ है एल। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस होता है जीरो, और परपेंडिकुलर टू एक्सिस वैन पासिंग थ्रू द सेंटर होगा ML² / 12, और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू वन एंड तो जाएगा ये ML² / 3, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शेप है, जो नेक्स्ट ये है सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग के लिए ये रिंग है जिसकी आर रेडियस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस होएगा MR², मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ सर्कुलर रिंग हो जाएगा हमारा MR² / 2, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट इन प्लेन, टेंजेंट जो प्लेन उसके अंदर यानी कि पैरेलल, ये हो जाएगा 3/2 MR², और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा 2 MR². सो हमारे पास नेक्स्ट शेप है वो है सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क है ये जैसे हमारी। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस है MR² / 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ सर्कुलर डिस्क हो जाएगा MR² / 4, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट टेंजेंट इन प्लेन हो जाएगा 5/4 MR², और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन हो जाएगा 3/2 MR². सो हमारे पास जो नेक्स्ट शेप है वो हमारी होलोस्फीयर। होलोस्फीयर में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर होता है 2/3 MR², और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलोस्फीयर अबाउट टेंजेंट होएगा 5/3 MR². सो हमारे नेक्स्ट शेप है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर होएगा वो होगा 2/5 MR², और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट होएगा वो होगा 7/5 MR². तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट शेप थी जिनका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया है, अबाउट एक्सिस या डायमीटर, टेंजेंट, परपेंडिकुलर और पैरेलल टू प्लेन, तो ये आपको याद रखना होगा। तो इस पे बेस्ड अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे डिटरमाइन द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एंड डिस्क हैविंग इक्वल मास एंड रेडियस। इक्वल मास एंड रेडियस है, और तो रिंग एंड डिस्क का, तो रिंग का होता है जैसे MR², और जो डिस्क है उसका होता है MR² / 2, तो हो जाएगा MR² से MR² ये कैंसिल हो गया, तो हो गया 2/1, तो जो रेशियो आ गया वो हो गया 2:1। अब आपको एक और सोचना है कि कब हमें, जब किसी कोई पर्टिकुलर नहीं बताया गया कि अबाउट एक्सिस निकालना है, अबाउट डायमीटर निकालना है, तो उसके लिए हमें ये देखना होगा, कोई पर्टिकुलर अगर पूछा नहीं गया तो मैंने जिसके सामने स्टार लगाया है वो वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाना। ऊपर वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं मैंने एक के सामने स्टार लगाया हुआ है, जहाँ पे पर्टिकुलर नहीं बताया गया है कि ये अबाउट डायमीटर है, अबाउट टेंजेंट है, या अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो मैं जो जिसके सामने मैंने स्टार लगाया वो वाला लेना है। सो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे विच हैज ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सोलिड और होलोस्फीयर। तो सोलिड या होलोस्फीयर के लिए तो IH ये हो गया हमारा होलोस्फीयर, और IS हो गया सोलिड स्फीयर। तो जो होलोस्फीयर के लिए फार्मूला होता है वो होता है 2/3 MR², और जो सोलिड स्फीयर उसके लिए होता है 2/5 MR², तो MR² से MR² कैंसिल हो गया, और इसको 2/3 इसको हम पलटाएंगे तो जाएगा 5/2, तो ये रेशियो हो गया 5:3, यानी कि जो होलोस्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज़्यादा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे डिटरमाइन द रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज 20 kg/m² ऑफ 10 kg डिस्क, यानी कि किसका निकालना हमें सर्कुलर डिस्क का, किसके लिए, अबाउट डायमीटर, तो हमें जो फार्मूला है वो लेना है MR² / 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू दे रखा है 20, तो ये एम हमारे पास दे रखा है 10 kg, यानी कि 10/4 R² इज इक्वल टू दे रखा है 20, तो R² को इस साइड लिखेंगे और जो वैल्यू उसको उस साइड ले जाएंगे, तो 20 × 4/10, 10 से 2 पर कट गया, तो ये 2×4 जा यानी कि 8, तो रेडियस आ गई हमारी √8 मीटर। ये हमारी
जो रेडिएशन से प्रोड्यूस की वो हो जाएगी। तो हमारा अभी नेक्स्ट है इसके अंदर रेडियस ऑफ जायरेशन, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कई बार ही एग्जाम में आया है। जैसे कि इसको देख लिया, R1 M1, R2 M2, ये हो गया रेडियस ऑफ जायरेशन, R3 M3, R4 M4, जिसकी यूनिट होती है मीटर लेंथ, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इसके लिए हो जाएगा MK², हर एक शेप के लिए, फॉर एवरी शेप MK². इस पर बेस्ड हम अभी न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे डिटरमाइन द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट डायमीटर ऑफ रेडियस आर, रेडियस है आर और जो सर्कुलर रिंग के लिए है, तो इसके लिए जो सर्कुलर रिंग के लिए कितनी होती है अबाउट डायमीटर होती है हाफ ऑफ MR², और जो जराई रेडियस ऑफ जायरेशन वो सब के लिए MK² होती है। तो इसको पुट रख दिया हाफ ऑफ MR² को MK² के, तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ से हमने K की वैल्यू निकाल ली, तो रह गया R√2। ये हमारी रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाएगी सर्कुलर रिंग के लिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी डिटरमाइन द रेशियो ऑफ जायरेशन रेडियस ऑफ डिस्क एंड रिंग, जो डिस्क एंड रिंग की जो जायरेशन की रेडियस है उसका रेशियो डिटरमाइन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्क के लिए हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो लिखेंगे, वो होता है MR² / 2 इज इक्वल टू जो जायरेशन MK², तो यहाँ पे K1 की वैल्यू आएगी R√2। उसके बाद रिंग के लिए होता है MR², जो हमें लेना होता है, जो पर्टिकुलर नहीं बताया गया, तो अबाउट जो एक्सीज है वो लेना होगा MR², और रेडियस ऑफ जायरेशन होती है MK², तो यहाँ से हमने K की वैल्यू निकाली, ये आएगी R। अब इन K1 / K2 रेशियो निकालना था, तो K/R ये था हमारा K/√2K, ये से ये कैंसिल हो गया, तो K/√2 आ गया, तो रेशियो हो गया 1:√2, ये हो गया रेशियो ऑफ रेडिएशन ऑफ जायरेशन ऑफ डिस्क एंड रिंग, ये था हमारा। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास, COM, यानी कि सेंटर ऑफ मास, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में कुछ हम बेसिक डिस्कस करते थे कि सेंटर ऑफ मास ऑलवेज एग्जर्ट टुवार्ड्स हैवी बॉडी, कि जो सेंटर ऑफ मास वो हमेशा हैवी बॉडी की तरफ ही एग्जर्ट होगा, यानी हैवी बॉडी की तरफ लगेगा। और सेंटर ऑफ मास इज ओनली इफेक्टेड बाई एन एक्सटर्नल फोर्स नॉट इंटरनल, कि जो सेंटर ऑफ मास उसको केवल एक्सटर्नल फोर्स ही इफेक्ट कर सकता है, इंटरनल फोर्स नहीं इफेक्ट कर सकता। जैसे ये दे दिया यहाँ पे, ये दो बॉडी है M1 और ये M2 मास की, M2 मास है वो ज़्यादा मास है, और ये है जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, यानी कि हैवी की तरफ ही लगेगा सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे हम, तो आ जाएगी M1 R1, M2 R2, ये हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल किया हमने कि M1 मास है यानी कि 10 kg, और ये M2 मास 15 kg, सेंटर ऑफ मास ये है, ये डिस्टेंस ये 20 - x, और ये टोटल डिस्टेंस है 20। तो यहाँ पे पोजिशन निकालें, फाइंड पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये हो जाएगा M1 R1 = M2 R2। M1 था 10 kg, एक्स था यहाँ पे 20 - x, तो 20 - 20 - x, तो बच गया एक्स, तो हो गया ये। और M2 था हमारे पास, मास 2 था 15 kg, और ये 20 - x R2 थी, तो इसको हम सोल्व आउट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x = 60, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी 12 मीटर। तो ये 12 मीटर है सेंटर ऑफ मास की पोजिशन। अभी हम जैसे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसके अंदर कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो निकालने में, इसके अंदर हमारे टू केस बनते हैं, दो केस बनते हैं। जैसे कि इफ टू बॉडी आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, कि जो बॉडी हैं दो बॉडी वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, तो जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगी M1V1 - M2V2 / M1+M2, जब दो बॉडी एक दूसरे की तरफ मूविंग कर रही हैं। जो सेकंड केस वो बनता है इफ टू बॉडी आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, कि जो दो बॉडी है वो अवे जा रही हैं एक दूसरे से, दूर जा रही हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का M1V1 + M2V2 / M1+M2, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होगा M1A1 + M2A2 / M1+M2, और जो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास वो जाएगा, पी से डिनोट करेंगे इसको, M1P1 + M2P2 / M1+M2। इस पर बेस्ट एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। जैसे कई बार आ जाता है छोटा सा न्यूमेरिकल कि ए बॉडी ऑफ MKG मूव विद V m/s टुवर्ड अदर बॉडी ऑफ 2 m, 2 m, MKG ये 2 m नहीं, सॉरी 2 m था, विद V/2 m/s। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लिया जब टुवर्ड अदर बॉडी की, टुवर्ड्स ईच अदर जाए, तो फार्मूला हो जाएगा M1V1 - M2V2 / M1+M2, हमारा ये फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट मास था m, तो मल्टीप्लाई जो वेलोसिटी थी v, तो MV - M2 था हमारा 2 m मास, 2 m मल्टीप्लाई बाई V2 था V/2 V/2 / M+2 m, तो हमने यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हो गया MV - MV/3 m, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ऐसे 0/3 m यानी कि 0 m/s आ जाएगा। सो गाइज, ये हमारा सेंटर ऑफ मास का फार्मूला था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ताकि उनको पता चल जाए, उनकी हेल्प हो जाए,
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फिजिक्स और मैथ की वीडियो के लिए। थैंक यू।